अरे भैया थे। अरे तू बिल्कुल नहीं बदली ना बेला। बचपन में भी अपने सारे दुख सारी तकलीफों से अकेले लड़ती रहती थी। हम आंसू पहुंच देते थे, हमें पता नहीं होता था कि आंसू बह क्यों रहे। क्यों ऐसी बात कोनी भैया, पर मैं अपनी बात कहूं तो किससे? सब लोगों ने मारी बात कड़वी लागे। बेला ऐसी बात नहीं है, तू ऐसा क्यों सोच रही? किसी को तेरी बात कड़वी नहीं लगती, सब सब जानते तू घर के लिए अच्छा सोचती है। जानती है क्या, ये जो तूने अपने अंदर दर्द भर के रखा हुआ है ना, तो तेरी हर बात उस दर्द से होके गुजरती है, इसलिए कड़वी लगती है। बेला अपने आप को माफ कर, जो भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूं तू उनसे मिलना चाहती है, और मेरा यकीन मान वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। जानती क्यों? क्योंकि वो भी तुझसे मिलना चाहते हैं। मेरी बात हुई उनसे, वो जल्दी मिल रहे हैं, क्योंकि वो भी पुरानी बातें भूलकर नई शुरुआत करना चाहते हैं। और देखना बेला, बहुत जल्द तेरा घर फिर से बस जाएगा। बेला चुप चुप हो जा। बेला मैं हूं ना, सब सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जा, चुप। बेला फिक्र मत कर, सब सब ठीक हो जाएगा। तू बस रोना बंद कर। मिलने जा रहे हो ना? हाँ बेटा, मैं आपके पापा से बहुत जल्दी मिलने जा रहा हूँ। रघु मामा मैं भी चलूंगी पापा से मिलने, आप मुझे ले चलोगे ना? हाँ बिल्कुल, अरे हम सब साथ में जाएंगे ना पापा से मिलने, है ना? अब फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। एकदम पहले के जैसे। आइए आंटी, प्लीज कम। ये रहा आपका कमरा। ये? हाँ क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं बेटा, रहने दो, बहुत छोटा है। ये तो वही बात हुई ना, आंख उठाते ही दीवार अड़ने लगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आंटी, आपके आने का प्लान इतना जल्दी हुआ, वरना हम बेटर अरेंजमेंट करते। सीरियसली वैसे ये कमरा किसका है? काफी बड़ा है। अब ये शिवानी का कमरा है। है नहीं, था। हाँ ये कमरा तो फिर भी हमारे स्टेटस के आसपास है, थोड़ी सी चेंजेस करवा लूंगी तो एडजस्ट कर लूंगी। ठीक है आंटी, आप बैठिए, मैं सर्वेंट्स को भेजती हूँ।
इतना आलीशान कमरा, इतनी आलीशान हवेली, लगता है हमारा फरीदाबाद से यहां आना सफल हो गया। अभी तो हमारे हाथ में सिर्फ एक कमरा आया, धीरे धीरे सारी हवेली हमारे हाथ में आ जाए। बस महिमा को ऐसे ही बहलाते रहेंगे, रास्ते में जो भी आया उसे हटाते रहेंगे और कहते रहेंगे प्लीज डोंट माइंड। सर, महिमा जी ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा हमारी कंपनी को दिया था, उसका अपडेट इसमें है। इन पेपर्स में अभिमन्यु के सेलफोन से पिछले 15 दिन में हुए हर फोन कॉल की पूरी डिटेल्स है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसमें एक नंबर जो मैंने हाईलाइट किया है, ये नंबर रघु का है। लेकिन अभिमन्यु, रघु को क्यों फोन कर रहा? मुझे पता था ये हमारे साथ कोई गेम खेल रहा है। फिक्र मत करो मैम, अब उसका खेल ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आप एक काम कीजिए, आप उस पर नजर रखिए और जैसे कोई गड़बड़ हो मुझे फौरन फोन कीजिए। ओके सर। मेरा शक सही निकला, इस अभिमन्यु के दिमाग में क्या चल रहा है हमें पता लगाना ही होगा। किसके दिमाग में झांकना चाहती हो? क्या पता लगाना चाहती हो? वो आंटी, वो क्या है ना, हम बंद लिफाफे की चिट्ठी अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। हमें बता, कुछ सांप ऐसे होते हैं जो लाठी से नहीं तजुर्बे से मारे जाते हैं। ठीक है आंटी, मैं बताती हूं। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये क्या छुपा रहे हैं आप? रघु मामा, ये आपके लिए। रघु मामा, क्योंकि आप मुझे पापा से मिलाने वाले हो ना, इसलिए आप वर्ल्ड के बेस्ट मामा हो। अरे बेटा, तो बहुत सुंदर बनाया है। थैंक यू। और ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए, आज तुम्हारी जॉब का पहला दिन है ना, तो हम चाहते हैं कि ये तुम्हारा सबसे 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 अच्छा दिन हो,
के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेबी। कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी अपनी तिजोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से। रघु मामा बोलो ना, हम पापा से कभी मिलने जाएंगे? बेटा बहुत जल्दी जाएंगे। जब भी हम जाएंगे तभी हम पापा के लिए गिफ्ट भी लेके जाएंगे ना, है ना बेबी जी मामा जी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल गिफ्ट लेके जाएंगे। एक मिनट। ये अभिमन्यु क्यों रघु को फोन कर रहा है? मैंने मना किया था तुम्हें फोन करने से। आई नो रघु, लेकिन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा तुमसे अभी इसी वक्त मिलना बहुत जरूरी है। लगता तुम्हें अभी तक मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि रघु प्लीज प्लीज एक बार तसल्ली से मेरी बात तो सुन लो। देखो मैं जो भी कुछ कर रहा हूं तुम्हारी और शिवानी की भलाई के लिए कर रहा हूं, और इस वक्त मैं तुम्हारे घर के पीछे वाली गली में ही हूं। सिर्फ दो मिनट के लिए मुझसे मिलने आ जाओ, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं। तुम सिर्फ एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, उसके बाद अगर तुम कहोगे तो मैं जिंदगी में कभी फोन नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। ठीक है आता हूं। ओके अच्छा तो ये बात है, चलो देर से ही सही लेकिन हम सही वक्त पे आ गए हैं। आप दोनों को हमारे तजुर्बे की सख्त जरूरत है। तो बताइए ना आंटी हमें क्या करना चाहिए? पहले तो आप लोगों ने अभिमन्यु का सही इस्तेमाल नहीं किया, उसके गले का फंदा कस के रखना चाहिए था। अब हम आपको बताएंगे अभिमन्यु को कब और कैसे मजबूर करना है, लेकिन आप लोग की सबसे बड़ी गलती यह है कि आपने शिवानी के साथ बैर लिया है। हम समझे नहीं। शिवानी इस खेल की सबसे जरूरी और सबसे कमजोर कड़ी है। कमजोर इसलिए क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप दोनों शिवानी के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए। पर आंटी इससे हमारा क्या फायदा होगा? महिमा तुम भी ना बहुत भोली हो, अगर असली विल गलती से शिवानी के हाथ आ जाएगी तो तुम्हारे हाथ क्या आएगा? हमारे हाथ क्या आएगा आंटी, जो भी आएगा उस रघु के हाथ आएगा। हाँ लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 महीने के बाद शिवानी रघु को छोड़ दे। हाँ अगर उसे कोई वजह नहीं मिली तो वजह हम दे सकते हैं, तब पूरी प्रॉपर्टी ना सही, आधी प्रॉपर्टी तो हमारे हाथ लग सकती है। रियली सॉरी रघु के इस तरह अचानक मुझे तुम्हें यहां बुलाना पड़ा, लेकिन बातें कुछ ऐसी थी कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, इसलिए टाइम वेस्ट मत करो, जो भी कहना है जल्दी कहो। ठीक है
ये दादाजी के ओरिजिनल बिल की कॉपी है। ये वो बिल है जो दादाजी ने मरने से पहले आखिरी बार बनाई थी, और इसको पढ़ने के बाद तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई की सोच रहा हूं। ये देखो, इस विल के मुताबिक मालिक साहब की प्रॉपर्टी बेबी जी और मेरे नाम पर है। रघु कहां चला गया? अभिमन्यु, वो क्यों रघु को फोन कर रहा था? इसकी ओरिजिनल कॉपी कहां है? यही तो प्रॉब्लम है रघु, इसकी ओरिजिनल कॉपी मुझसे कहीं मिसप्लेस हो गई है। एक बार ओरिजिनल विल मेरे हाथ लग गई ना, तो जसवंत महिमा का सारा खेल, उनकी सारी प्लानिंग सबके सामने आ जाएगी। सारा सच साबित हो जाएगा। पता नहीं ये लेकिन ओरिजिनल विल है कहां? कम से कम अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि इस लड़ाई में मैं तुम्हारे और शिवानी के साथ हूं। मन्यू रघु के साथ क्या कर रहा है? यदि कोई इंसान तुम्हें धोखा दे तो धोखा देने वाले की गलती होती है, लेकिन अगर वही इंसान दोबारा धोखा दे सके तो धोखा खाने वाले की गलती होती है। और मैं ये गलती नहीं कर सकता। देखो रघु, मैं जानता हूं कि मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल जो तुम्हारे हाथ में ये गलत है, या फिर जसवंत महिमा तुम्हें और शिवानी को धोखा नहीं दे रहे। रही बात मेरी नियत की, तो एक ना एक दिन तुम्हें पता चली जाएगा रखो कि इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं या खिलाफ। रखो, ये सब मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे तुम बहुत पसंद हो या फिर मुझे तुम्हारी बेबी जी पर तरस आ गया। ये सब तो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सब के पीछे मेरा खुद का एक मकसद है। अभिमन्यु पे यकीन करना बेवकूफी है, इसमें भी उसकी कोई चाल होगी। बेबी जी पहले से इतना कुछ सह चुकी हैं, अगर अभी
कभी उनके भैया और भाभी के बारे में बता दिया तो तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं, जब तक मुझे पूरा सच नहीं पता चल जाता मैं बेबी जी को कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं। क्या हुआ रघु, तुम इतने खोए खोए क्यों हो? नहीं बेबी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप रघु, हमें तुमसे एक बात पूछनी है। जी पूछिए ना। वो हमने तुम्हें अभी अभिमन्यु के साथ देखा, वो यहाँ क्यों आया था?